हेलो, अबे मेरे ससुर के बाहर हूँ मैं, बाद में बात करिए मुझसे। यार तुम ये देसी लोग होते कैसे हो? अगर तुम मेरा क्लासमेट नहीं होता ना, मैं तुझसे बात तक नहीं करती। ना तुम्हें कोई ड्रेसिंग सेंस, ना बोलने का तरीका, और ये बाल कैसे बना रखे? यार देख, तू किसी की बातों से और उसके लुक से तुझे जज नहीं कर सकती। क्यों ना करूँ जज तुम्हें? वो देख, वो लड़का दिख रहा है? दिख रहा है वो लड़का? उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका हेयर स्टाइल, उसकी शक्ल को देख के पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे से बात करेगा मुझसे। और तू कोई तमीज ही नहीं है बात करने। तो जा ना, करके देख बात। वो नहीं देगा तो जरा सा भाव भी। अच्छा, लेट्स सी। हाय। और कुछ चाहिए? हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन। मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, गाड़ियों में थार, तुम्हारे आगे सारी दुनिया बेकार। एक लड़की को देखा तो आओ मैं आपको ड्रॉप कर दूं। श्योर, चलो। इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। आओ मैं आपको ड्रॉप कर दूं। श्योर, चलो। यार एक मिनट यार, गर्मी देख यार कितनी हो रही है। हाँ यार गर्मी तो बहुत हो रही है। हाय यार, कौन था? पता नहीं। छोड़ यार, गर्मी देख यार, बहुत गर्मी हो रही है। कितना गर्म पानी है ये यार, इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी। हाँ यार गर्मी तो हो रही है, देखना मौसम देखना। अब चले। हेलो, अरे यार आई विल कॉल यू अपना यार। अरे यार अरे तू बावली है क्या थोड़ी बहुत है? कभी तो गाड़ी पे कुल्ला करके मार रही है, अब डेंट मार दिया गाड़ी पे है? तू कुछ पता ना है क्या है? घरन में बेशक ना होता हमारे पेंट, लेकिन गाड़ी पे ना लगने देते डेंट। चल एक उड़ को। आ रहा हूँ मम्मी। आप तो ना एक तो ना सीबीआई से ज्यादा तो इंक्वायरी करते हो। अब कॉलेज से निकला हूँ, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, अब पैदल जाऊंगा स्टैंड तक। एक तो आपने 1980 जमाने का ये फोन दे रखा है, इसमें आवाज नहीं आती ठीक से। एक एटलस साइकिल ही दिला दो। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। हेलो, कहाँ है? अशोका होटल? अरे अशोका होटल तो घर का होटल है, बस अब पहुंचा मैं 2 मिनट में। अरे आज मैं अपनी जैगवार को डालने गया था सर्विस पे, सारे सर्वेंट आज छुट्टी पर थे। अब मेरा ड्राइवर आ रहा है ना ओडी लेके, अरे उसकी सैलरी मेरे बैग में रखी है यार, बैग में वजन भी हो रखा है। अब बिना एसी के रहने की मुझे आदत नहीं है, बस स्टैंड के नीचे आके मैं खड़ा हो गया। अच्छा सुन, सलमान भाई से बात कर लियो, कभी वो नाराज हो गए हो। कल मैंने उनका व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर दिया। अरे यार सलमान खान और विवेक ओबरॉय आए दिन लड़ते रहते थे उस ग्रुप में, मैंने बात कर लिया है मोदी जी से। तेरे घर से लेके सीधा अपने घर तक का एक्सप्रेस वे बनवा रहा हूँ मैं, सीधा आने जाने की झंझट खत्म। सुबह अपना एरोप्लेन निकाल लियो, पिछली बार मैंने अपना निकाला था। फार्म हाउस पे चलना है, जस्टिन बीरबल आया हुआ है वहाँ पे। अबे यहाँ क्या कर रहा है? जिंदगी भर बसों में धक्का खाता रही है, और तेरे घर वाले ना दिले तो एटलस साइकिल भी। चल बैठ, मैं तुझे छोड़ दूँ। हेलो, क्या रहा भाई तेरा रिजल्ट?
99% आए हैं, 1% कटा है, वो भी राइटिंग का। दूध की भर लो बाल्टी, आज तुम्हारा यार देगा पार्टी। Love you mom dad for always supporting me। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, मेरा हेलीकॉप्टर निकालो। आपके हेलीकॉप्टर में आज पंचर हो रखा है, आज आपका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। गाड़ी निकालो। सर आपकी बॉनविटा की बोतल तो घर पे ही रह गई, लेकर आओ। नहीं, मैं सलमान खान। ऑब्वियसली बात है यार, मैं ही हूँ अमित बड़ा। क्या तुम्हें पूरे कॉलेज में मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई लड़का नजर आ रहा है? बेशक दिखने में मैं हूँ लोफर, लेकिन हूँ मैं सीबीएसई टॉपर। चले कॉफी पे। अबे मार ले लात। एक तो एसी बंद पड़ा है, पंखे बंद है, गर्मी लग रही है। अरे तू इतना पढ़े लिखे है, काय दिन तेरे दिमाग की नस फटगी, फिर कैसे करेगा? घर तक छोड़िया ना उसे, मुझे लगे तुम दोनों के बीच में कंचा गोली पिलूच चल रही है। नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, पर एक बात है, ये कह रहे तू बहुत क्यूट और बहुत सीधा है। हाँ? बेटा मुझे लगे करवाना पड़ेगा तेरा बिया, ना तो तू भगा के ले जाएगा रिया। देख तू तो है घोचू महाराज, तू तो यासू कभी सीधी बात कर नहीं पाएगा, तेरा भाई करवा भाई करवा दे बात। देख तीन चीजों का ध्यान रखियो, पहली चीज जब तुझे बुलावे तो तू इस एकदम से कह दियो जो भी अमित ने कहा है वो बिल्कुल सच है। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी बात इसू कहियो तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर, तुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा। पक्का भाई, यही बोलूंगा भाई। तीसरी बात इसू बोलियो प्रॉमिस तू हमेशा खुश रहेगी। पक्का भाई, पक्का। ठीक है, अब मैं 10 सेकंड में गया, 2 मिनट में बात करके। और जी बोल अमित। रोहित जो अमित कह रहे हैं वो सच है? सच कह रहे हैं अमित, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। देख ले तेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ ना मैं? तू कर सकती है मेरे पे ट्रस्ट। फिर शर्माया, फिर शर्माया। कल को मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, देख ले। मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ गलत नहीं होगा। 440 वोल्ट छोड़ने से दर लगे जा। और जी बोल अमित। यार देख तू सोचती होगी अमित में बहुत है खराबी, शकल से तो ये है यार अमित। वो तो है, तू जानती नहीं है अभी मैं खाते नहाते सोते हग लेटते सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में सोचता हूँ। यार तू लगता तो सही है पर मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अच्छा चल तू एक बात बता, तुझे पूरे कॉलेज में तुझे सबसे सीधा लड़का कौन लगता है जो सच्चा है सबसे ज्यादा?
तेरा दोस्त रोहित लगता है। रोहित लगता है ना तू? अभी तू रोहित को बुला ले, यहीं पे बुला, और मेरे सामने तू उससे पूछ ले। मैंने अपनी जितनी भी मन की फीलिंग्स है ना तेरे लिए सब बता रखी हैं उसको। सबसे पहली बात उससे तू पूछ कि जो अमित बोल रहा है वो सच है या झूठ है। दूसरी बात तू उससे पूछ कि जो अमित कह रहा है क्या मैं उस बात पर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। तीसरी चीज उससे पूछ कि कल को अमित मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगा, पक्का प्रॉमिस, और देख लियो वो क्या जवाब देता है। हाँ जुगाड़ वाले भैया, मैं कह रहा था 50% आए हैं, SRCC में एडमिशन करवा दोगे? हाँ जुगाड़ वाले भैया, मैं ये कह रहा था SRCC ना तो हंसराज में ही करा दो, मैं तो यूनिवर्सिटी के पीछे मोंटा पार्क में ही बैठा हूँ, आ जाऊँ क्या कागज लेके? अरे मैं कह रहा था भैया सत्यवती में ही करवा देते। नहीं होगा, चलो किसी इवनिंग में ही करवा दो। अरे भैया जुगाड़ वाले, घर वालों ने घर से निकाल दिया, SOL में ओपन में ही करवा दे भाई। अरे भाई रिजल्ट क्या रहा तेरा? अबे तेरा क्या रहा भाई, क्या 50% और तेरे 45%, दोनों के मिला के कितने हुए? 95। तुम्हारा भाई अकेला ले आया इतना। वीडियो के एंड में क्या आता है? लोपर्स। तेरा भाई है क्लास का टॉपर। अबे खुशी के मारे बेहोशी हो गए। वह जग से बेमिसाल सखी, माँ शेरों वाली कमाल सखी, वह जग से बेमिसाल। माता रानी आप बस ये मत समझना मैं सिर्फ रिजल्ट में और एग्जाम में ही आता हूँ आपके पास, मैं तो आपका सच्चा पुजारी हूँ। दस के दो आते हैं समोसे, आज का मेरा रिजल्ट है आपके भरोसे। और हाँ ये जरा मेरा रोल नंबर है, जरा देख लेना। भाई 12 CBSE का रिजल्ट आ गया क्या? आ चुका है सर। भाई मेरा निकालना। रोल नंबर बताइए। कोमल से 2 रोल नंबर पीछे, ज्योति से 3 रोल नंबर आगे। सर रोल नंबर अंकों में बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, 38/9, 44/6, 52/13। आपका रिजल्ट तो बनने भाई 2 में कंपार्टमेंट है। अरे भाई दिल्ली पुलिस ना सही, यूपी में होमगार्ड तो लगेंगे। अरे कोई बात नहीं, पास फेल तो चलता रहता है, अगली बार पास हो जाइयो। अरे भाई मुझे अपने फेल होने का इतना दुख नहीं है जितना तुम दोनों के पास होने का दुख है। चल कोई नहीं, तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ। प्रियंका कौन सी क्लास में थी? 11वीं पास होके 12वीं में आई है। और तू कौन सी क्लास में फेल हुआ? 12वीं में। दोनों सेम सेम। ना चुराना। प्रियंका ने तो स्कूल से नाम कटा लिया।